और यार मैं जोमेटो को कहता रहता हूँ ना कि सुबह अपने को छोटे छोटे ऑर्डर चाहिए, जोमेटो भी लाइक ले 20 का, ले 25 का, ले 30 का। एक लफाफा, दो लफाफा, चार, एक होर अभी ध्यान ना, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। आप लोगों को पता ही है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे कमाना है 90 दिन में 1,00,000 रुपया। आज है अपना डे 76, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। सबसे पहले तो यार आप सब लोगों को हैप्पी गांधी जयंती। गांधी जयंती के कारण आज जोमेटो ने कुछ ऑफर लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक ऑफर है। लाइक 22 ऑर्डर डिलीवर करेंगे, 8 गिग अपनी पूरी करेंगे तो हमें 400 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। अगर दिन में एक से ज़्यादा गिग इनकम्प्लीट लगती है तो भाई अपना ऑफर खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आज अपना ऑफर वगैरह पूरा हो जाए। जो अपनी मैंने गिग है सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 15 घंटे नॉन स्टॉप बुक करके रखी है। उम्मीद करते हैं कि आज अपना 15 घंटे का यार काम हो जाए, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में तो मेरे को घर जाना पड़ा अर्जेंटली, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि आज घर ना जाना पड़े और हम नॉन स्टॉप 15 घंटे काम करें। और लाइक देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे काम निकलेगा, ये सब कुछ मोटो व्लॉगिंग पार्ट में रहेगा। सो मोटो व्लॉगिंग वाला पार्ट मिस मत करना, उसी में होता है सब कुछ कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितनी बाइक चलती है, क्या रेट मिलता है। सो मिस मत करना, पूरी देख लेना वीडियो को। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लेना यार, हम लोग 50K के बहुत ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं। सो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड में। यार 7 बजे अपनी आईडी लॉगिन की थी, 7:27 पर पहला ऑर्डर आ रहा है अपने पास। पहला ऑर्डर ही गिफ्ट का ऑर्डर है यार। 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, 1.7 किलोमीटर का ड्रॉप है। यार गिफ्ट के ऑर्डर में ना लोकेशन का बहुत बड़ा लोचा होता है। चलो बाकी देखते हैं जाकर, क्या पता सही से हमें मिल जाए लोकेशन वगैरह। बाकी यार बिल देते हैं, ये एक बिल के ऊपर बंदे का फोन नंबर लिखा रहता है जिसको डिलीवर करना है। अगर लोकेशन में लोचा होगा तो उसको कॉल करेंगे, उसको बोलेंगे कि व्हाट्सएप पे हमें लोकेशन सेंड कर दो तो हम डिलीवर कर देंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी देखते हैं यार, पहले आज के दिन का पहला ऑर्डर लगाते हैं। आधे घंटे के बाद ऑर्डर मिल रहा है यार, मैं इधर उधर धक्के खा रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। बस पहले ऑर्डर तक का होता है, पहला ऑर्डर मिल गया उसके बाद बैक टू बैक हमें ऑर्डर मिलते रहेंगे। आज बढ़िया काम निकालना है यार, आज का व्लॉग ना मैं भी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज 15 घंटे नॉन स्टॉप काम जो करना है। अरे 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 अरे, बाइक का तो रीडिंग ही नोट करना भूल गए, 37,470 किलोमीटर बाइक अपनी चली है। इसको 470 ही लगाते हैं, 500-600 मीटर ऊपर हो गया और 500-600 मीटर ही आया हूँ मैं। डे के एंड में देखेंगे कि अपनी बाइक कितना चलती है, जो मेरा एक एस्टिमेट कहता है अगर हमें बराबर काम मिलेगा तो 220 किलोमीटर के करीब चलेगी। बाकी डे के एंड में पता लग ही जाएगा कि कितनी चलती है, ये भी एक सस्पेंस रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। केक का ऑर्डर है, मैंने बोला था कि केक का ऑर्डर होगा और इसमें लोकेशन का लोचा होने ही वाला है, बिकॉज इसके ऊपर कस्टमर का नंबर लिखा हुआ है। कस्टमर को मैंने कॉल किया लोकेशन के लिए, बट कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा भाई, क्योंकि गिफ्ट का ऑर्डर है, कस्टमर में भी सोया होगा इतनी सुबह सुबह, तो उस वजह से भी कॉल नहीं उठा रहा भाई। ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार गिफ्ट के ऑर्डर में, ना तो कोई कॉल उठाता है, ना लेन ना देन। इधर से पिक कर लेते हैं, 5-स्टार रेटिंग दे देंगे क्योंकि ऑर्डर तो इन लोगों ने टाइम नहीं लगाया। इधर से ना कस्टमर को एक बार मैं कॉल दोबारा से कर देता हूँ। क्या यार भाई, ना बंदा कॉल उठा रहा है ना लेन ना देन, भाई एटलीस्ट कॉल वगैरह तो उठाओ यार, ऐसे कैसे कहानी चलेगी। ये तो डी ब्लॉक आ गया यार, मेरे को के ब्लॉक में जाना है। सो यार कस्टमर ने तो कॉल उठाई नहीं, खुद ही ढूंढना पड़ा मेरे को, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको ढूंढने में यार। रीच ड्रॉप कर देते हैं, गोडिट कर देते हैं। अमन नाम से ऑर्डर था जी, थैंक यू मैम। ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, 5-स्टार रेटिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। हो गया भाई, हो गया, थैंक गॉड। मेरे को लगा कस्टमर की लोकेशन पर ही जाना पड़ेगा। चलो डिलीवर मार्क हो गया, 20 रुपये ही मिलेंगे इसके, और क्या ज़्यादा थोड़ा देने लगे जोमेटो। सो यार टाइम हो रहा है 8:27 का, 7 बजे के बाद भाई दूसरा ऑर्डर है यार अपना, एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले तो। 2.5 किलो, अरे यार भाई साहब कैश का ऑर्डर आ गया, आज कैश में दिक्कत होगी। लालपुर किचलू नगर, 8:30 हो रहे हैं, अब जा करके दूसरा ऑर्डर मिला। ऐसा वैसे मेरे साथ होता नहीं है, मोस्टली 1-2 बार हुआ होगा कि मेरे को 1-1 घंटा ऑर्डर ना पड़ा हो, बट आज यार ऑर्डर ज़्यादा है ना, 22 ऑर्डर हैं, तो उस वजह से सुबह सुबह लड़के बहुत ज़्यादा आ गए, उस वजह से काम भी कम होता है, क्योंकि जब देखो बंदे ज़्यादा आएंगे ना काम बट जाता है। चलो भाई ऑर्डर मिल गया अपना, इधर से पिक करके 4-स्टार रेटिंग दे देते हैं, बिकॉज इन लोगों ने ना थोड़ा सा लेट कर दिया। और ये भी अच्छा है यार, लेकर के जाना मेरे को BRS नगर,
5.7 किलोमीटर है यार, 8 किलोमीटर के ना 38 रुपए मिल रहे हैं पिकअप प्लस ड्रॉप मिला करके, और बीआरएस नगर से मे भी हमें खाली भी आना पड़ेगा। आज यार रेट को तो मैं वैसे भी देख नहीं रहा, रेट भाई कितने दिन हम बात करते रहेंगे रेट के बारे में, अब तो पता ही है कि यही रेट मिलना है, इसका कोई हल नहीं है, इसको किसी तरीके से बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। जब पता है कि यही रेट मिलना है, हम आ रहे हैं तो उसके ऊपर बात करना बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। बात करने का तो फ़ायदा होता है अगर कोई सुनवाई हो उसमें, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो बात करके क्या फ़ायदा। और अगले 10-12 दिन ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जोमैटो में व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज़ यार जोमैटो में ना अपनी रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो गई, जिस हिसाब से आज काम मिल रहा है ना, मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कि अपने को इतना गंदे तरीके से काम मिले, एक एक घंटा वेट करना पड़े, तो मेरे को ना थोड़ा सा अब काम जोमैटो में खींच करके करना पड़ेगा। बिकॉज यार देखो मैं जोमैटो स्विगी इन ऐप्स को जितना भी गलत बोलता हूँ बट वो चीज़ एक्चुअल में गलत होती है, बट हमारा घर भी तो इन ऐप्स से ही चल रहा है ना। मेरा तो ये मानना है गलत को गलत कहना चाहिए, कोई भी फूड डिलीवरी है, बाइक टैक्सी है, इन ऐप्स के गुलाम थोड़ा ना है कि हम इनके बारे में बोलेंगे नहीं। हाँ ये अच्छा काम करते हैं तो हम इनको अच्छा भी बोलते हैं कि हाँ भाई आज जोमैटो ने खुश कर दिया। आप मेरी वीडियोस देखो जाकर के चैनल में पड़ी है, जिस दिन जोमैटो ने मेरे को खुश किया उस दिन मैंने डाला है कि आज जोमैटो ने खुश कर दिया, भाई मज़ा आ गया जोमैटो में काम करके। बट जिस दिन अपने को ही मज़ा नहीं आता, अपने को ही प्रॉफिट नहीं होता, तो भाई फिर बोलना तो बनता है ना, क्योंकि हम 12-12 घंटे काम करेंगे, पेट्रोल का खर्चा निकाल कर 700-800 थोड़ा कमाने आते हैं, एटलीस्ट 1200 तो बनना चाहिए ना, फिर मज़ा है, फिर हम भी कहेंगे कि हाँ भाई जोमैटो ने खुश किया। रोज़ कहेंगे, जोमैटो हो स्विगी हो कोई भी ऐप हो, हम रोज़ कहेंगे कि भाई खुश होकर के घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है, हमारी बैक पेन इतनी होती है, हमारी बाइक का मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि वो निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, फिर इतने कम पैसों में हर 10 दिन बाद तो सर्विस होती है अपनी बाइक की। 235 कैश कलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपनी आईडी बंद नहीं होगी, इसके 37 रुपये मिले हैं। 12:24 पर अपने पास ऑर्डर आ रहा है, लंच टाइम का पहला 20 रुपये का ऑर्डर है भाई, इन लोगों ने ना मेरे ही क्या ऐसी तैसी की हुई है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई अभी तक का काम, 20, 37, 26, 20, 24, 20, 27, 20, 25 और अभी फिर 20 रुपये का ऑर्डर, भाई मतलब दिमाग का दही कर रहे हैं यार, 9 ऑर्डर लगा के 220 रुपए की अर्निंग हुई है अभी तक, सिर्फ 7 बजे से 12 बजे तक, लगभग 5 घंटों में, और अभी पिज्जा हट का ऑर्डर मिला मेरे को, रीच पिकअप कर देते हैं ऑर्डर को, अभी टाइम है 450 मीटर का ड्रॉप है, वेट कर लेते हैं भाई। क्या कहना चाहोगे 20-20 रुपए वाले ऑर्डर के लिए? महा बेकार, इसको बोलते हैं कि दिमाग का दही जो आपने बोली है वही बात है यार, बंदा माइंड खराब हो जाता है बंदे का यार, क्या नाम है ऐसे ऑर्डर लगा गया। वही तो यार, चलो ठीक है 4-5 आपने दे दिए दिन में, कोई दिक्कत नहीं, आप बैक टू बैक ऐसे ऑर्डर दोगे तो यार कैसे चलेगा, बंदा घर भाग जाएगा भाई। वही तो यार, आज मैं सोच के आऊँ 15 घंटे करना है तो करना है, बड़े 20 वाले दे, बड़े 10 वाले दे, देखा जाएगा आज। सो यार ये अपना ऑर्डर पिज्जा हट से पिक कर लिया मैंने, एक्चुअली ये किसी राइडर ने ट्रांसफर मारा है ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो पता लगा कि अपना 30 मिनट लेट चल रहा है ऑर्डर, 450 मीटर जाना है यार सिर्फ। अरे 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 700 मीटर शो कर रहा है इसकी ऐसी तैसी, चलो कोई बात नहीं जाएंगे, 700 करे, 800 करे, 1000 करे, ये बॉय 700 मीटर जाकर के यहीं मेरे को वापस आना है, यहीं पर धक्के खाने हैं भाई आज तो। यार मेरे को लग रहा है ना कि अपनी ऐसी तैसी होने वाली है जोमेटो में, ये मेरे को ऐसी एक फील आ रही है कि 50 रुपये के ज़्यादा का ऑर्डर अपने को पूरे दिन में नहीं मिलेगा आज, और 400 रुपये का इंसेंटिव मिला करके अपनी 1200 की अर्निंग हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ऑर्डर दे रहा है भाई 1200 की अर्निंग भी एक टास्क लग रहा है मेरे को। अरे 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 गली में जा रहा है रास्ता, ये तो कोई धरना वरना चल रहा है इधर तो। धरना चल रहा है उधर तो किसी चीज़ का, आई डोंट नो किस चीज़ का है। चलो चलते हैं डिलीवर करते हैं ऑर्डर जाकर यार। ऑर्डर डिलीवर 20 रुपये अंदर करते हैं और फिर से सराबा नगर जाकर के रुक जाते हैं भाई। अबे यार फिर से 27 रुपये का ऑर्डर आ गया, 1.5 किलोमीटर का पिकअप है, 2.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई। यार दिमाग का दही हो रहा है यार आज तो, क्या ही बोलूँ यार, अब मैं क्या ही बोलूँ मेरी जान। ये रहा भाई अपना ऑर्डर, और यार मैं जोमैटो को कहता रहता हूँ ना कि सुबह अपने को छोटे छोटे ऑर्डर चाहिए, जोमैटो भी ले 20 का, ले 25 का, ले 30 का,
बस 20-25-30 ही चल रहा है आज, उससे ज़्यादा अपने को ऑर्डर ही नहीं मिला। सो फाइनली यार मैं लोकेशन पर तो पहुंच गया, फिर अपना ऑर्डर मलकीत गिल नाम तो हेलो थैंक यू रेटिंग कर दो जी। 20-25 वाला जी ऑर्डर भी डिलीवर डन। देखा मैंने बोला था ना भाई अगला ऑर्डर भी अपने को 20-25 वाला ही आने वाला है। 26 रुपए का ऑर्डर आ रहा है अपने पास। 2.5 किलोमीटर का पिकअप है, 1.6 किलोमीटर का ड्रॉप है। लोल भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिलहाल जाना तो पड़ेगा ही अपने को। सो यार ये रहा अपना ऑर्डर, इसमें 4 लिफाफे हैं। जाना तो भाई 1.7 किलोमीटर है, फिर से वही 20-25 रुपए का ऑर्डर है अगेन। भाई क्या करूं यार कैसे हटूं यार 25-25 वाले ऑर्डरों से, समझ नहीं आ रहा मेरे फिलहाल। हाँ जी गर्मी बहुत ज़्यादा जी आज। एक लफाफा, दो लफाफा, चार, एक होर अभी ध्यान ना, ठीक है थैंक यू। आज का जी ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, इसके भी मिलेंगे अपने को 25 रुपये 20 रुपये। 1.6 किलोमीटर के भाई कितने दे रहा है, हो जा अपडेट। 26.5, 26.5 रुपये मिले हैं इसके। सो फाइनली यार अपना डिनर टाइम स्टार्ट हो चुका है। 6:50 पर आईडी बंद कर दी थी मैंने, यहाँ पर आ गया था 10 मिनट की ब्रेक होती है ना गिग में, उसको एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पर आकर चाय वगैरह पी। अभी अपने को ऑर्डर मिला है 33 रुपये का, 800 मीटर का पिकअप है, 3.3 किलोमीटर का ड्रॉप है, वॉक्सिंग से उठाने जाना है। अभी तक मैंने क्या किया भाई आप लोगों को बता दूँ, 1066 की अपनी अर्निंग हो चुकी है, जिसमें अपना 400 वाला ऑफर ऐड हो चुका है, 24 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। अगर 400 वाला ऑफर निकाल दे तो 666 की अर्निंग हुई है 24 ऑर्डर डिलीवर करके भाई। 20, 23, 43, 22, 33, 32, 37, 26, 32, 23, 31, 26 भाई ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर डाल रहे हैं यार सुबह से। मेरा व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, घंटा की गांधी जयंती चल रही है, ये 20, 20, 25, 25 वाले ऑर्डर चल रहे हैं इधर। क्या बात है भाई, सभी को छोटे छोटे ऑर्डर मिले हैं यार। एक बंदा है कहाँ गया, वो उठाने चला गया, उसको 90 रुपये का ऑर्डर मिला था। मेरा तो भाई सुबह से यही हाल है, 42 रुपये वाला सबसे बड़ा ऑर्डर है मेरा। सो यार ये रहा अपना ऑर्डर, ऑर्डर अपना रेडी पड़ा था, बस गया और उठा कर ले आया। भाई आंखों में मच्छर जाएंगे यार, मच्छर बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं अभी। वाइज़र भी मेरा ब्लैक कलर का है, वाइज़र बदलना पड़ेगा मेरे को विद इन 1-2 डेज, वाइट कलर का लेना पड़ेगा मेरे को वाइज़र। वाइज़र मेरा ब्लैक कलर का है, ऊपर से मच्छर बहुत ज़्यादा है, रात को ब्लैक कलर का वाइज़र लगा करके ना ढंग से दिखता कुछ नहीं है। अभी ना इधर है मेला, पीछे रह गया मे भी, अभी नराते शुरू होने वाले हैं ना, और दशहरा भी आने वाला है, तो जगह जगह पर ना दशहरे मेले के कारण ट्रैफिक रहेगा। अब ये 10 से 12 दिन दशहरा ख़त्म हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद तक मेला चलेगा, फिर मेला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दिवाली आ जाएगी भाई। दिवाली की मार्केट सजनी शुरू हो जाती है, उस वजह से भी रश रहेगा। मतलब यार जब तक फेस्टिवल सीजन रहेगा ना, कल से रश शुरू हो जाएगा, कल से समझ लो अपना फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, और काम करने में भी मज़ा आएगा। कल नराते का पहला दिन है ना, तो नरातों में थोड़ा काम कम तो होता है, आप समझ सकते हो कि क्यों कम होता है, लोगों के व्रत होते हैं और थोड़ा लहसुन प्याज का परहेज रोज ही चलता है, तो ऐसे कुछ सीन होने वाले हैं। लाइक देखते हैं यार जैसा भी रहेगा, आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लग जाएगा कि किस हिसाब से हम काम निकालेंगे। मे बी अब मैं सुबह थोड़ा जल्दी आकर के ना नॉन स्टॉप काम किया करूँगा, जैसे आज कर रहा हूँ ना वैसे ही काम किया करूँगा। लाइक आज तो जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से काम नहीं निकला, आज तो बहुत गंदा दिन था यार, बहुत गंदा बोले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा। ठीक है मैम थैंक यू। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर, 229 कैश कलेक्ट, ऑर्डर डिलीवर डन। मोबाइल इधर रखते हैं, इसको डालते हैं बटुए में। 32.88 मिले हैं, लाइक वही 33 रुपये मिले हैं। सो यार रात को मैं 10:30 बजे घर में पहुंच गया था। एक्चुअली क्या हुआ ना यार, मेरे को छींके जुकाम कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ना सिट्रिजन की गोली खा ली थी, उस वजह से नींद आ गई थी, तो मैं क्लोजिंग करना भूल ही गया। अभी भी हल्का हल्का कोल्ड है। और अब बात कर लेते हैं कल की अर्निंग की। भाई अर्निंग बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई, 31 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद 1370 की अपनी अर्निंग हुई है। इधर कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 400 ऑफर ऐड करने के बाद, अगर मैं ऑफर ऐड ना करूं तो 3100 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद अपुन ने 1000 भी टच नहीं किया, तो सोच लो भाई मेरा क्या हाल हुआ होगा छोटे छोटे ऑर्डरों में, है ना। तो ऐसा कुछ था आज का दिन। और बाइक कितनी चली,
470 पर शुरू की थी, 663 हो गया, लाइक 193 किलोमीटर अपनी बाइक चली। पेट्रोल की बात करें 280 रुपए के करीब अपना पेट्रोल लगा आज के दिन। सो प्रॉफिट वगैरह आप लोग निकाल लेना, अर्निंग का स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूंगा। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। सो आज की वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक लिए जय भोले।